नेक्स्ट मैकेनिज्म, सेकंड मैकेनिज्म ऑफ वुल्फ रीअरेंजमेंट इज फोटोकेमिकली इंड्यूस्ड वुल्फ रीअरेंजमेंट, इट इज आल्सो नोन एज ऑक्सिरीन पाथवे, ऑक्सिरीन. दिस प्रोडक्ट इज नोन एज ऑक्सिरीन, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज ऑक्सिरीन इन वन डबल बॉन्ड एंड दिस इज ऑक्सीजन 1, 2, 3 एंड वन सिंगल बॉन्ड. दिस कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सिरीन. लुक हेयर, दिस इज द एग्जाम्पल. दिस इज कार्बन 1 एंड दिस इज कार्बन 2. इसको कार्बन 1 कंसिडर कर ले, इसको कार्बन 2 कंसिडर कर ले. दिस इज फोटोकेमिकली इंड्यूस मैकेनिज्म. तो देयर इज रिलीज ऑफ नाइट्रोजन, रिलीज ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है भाई, व्हेन नाइट्रोजन इज रिलीज्ड तो देयर इज नाइट्रोजन रिलीज हो जाए तो ये वन एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. इस कार्बन के साथ इथाइल है, इसके साथ वन कार्बन के साथ मिथाइल है. अब इधर देखिए, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर फॉर्मिंग ए साइक्लिक कंपाउंड एंड दिस साइक्लिक कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सिरीन. अब इस ऑक्सिरीन में फिर रीअरेंजमेंट दोबारा होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा. जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है तो इस कार्बन 2 पे कार्बोनाइल आ जाएगा. एट अ टाइम दिस अल्काइल ग्रुप विल लीव एज ए न्यूक्लियोफाइल दिस कार्बन. न्यूक्लियोफाइल की शक्ल में ये अल्काइल ग्रुप इससे निकल जाएगा. तो अब इधर पॉजिटिव सेंटर किधर है? अब पॉजिटिव सेंटर कार्बन है, क्योंकि जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर अभी डबल बॉन्ड और पॉजिटिव है, ये इसको ये सिस्टम को छोड़ देगा. तो ये नेगेटिव विल बाइंड विद दिस पॉजिटिव एंड फॉर्मिंग दिस कीटीन, फॉर्मिंग दिस दिस इज नोन एज कीटीन. अब ये कीटीन हाईली रिएक्टिव प्रोडक्ट है, इससे हम हज़ारों प्रोडक्ट बना सकते हैं. अगर लेट सपोज न्यूक्लियोफाइल वाटर है तो कार्बन 1 पे इथाइल मिथाइल हाइड्रोजन और कार्बन 2 पे कार्बोनाइल कार्बन. अब इस ऑक्सिरीन पाथवे का क्या फ़ायदा क्या है? लुक हेयर, दिस इज द फर्स्ट वाटर एंड सिल्वर ऑक्साइड पाथवे. लुक हेयर, कार्बन 1 कार्बन 2 आ जाए, डी रिलीज ऑफ NO2. ठीक है, रीअरेंजमेंट, कीटीन फॉर्मेशन, अब न्यूक्लियोफाइल. अब इधर देखें दोनों प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है. दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड सिल्वर ऑक्साइड, दिस इज़ द फोटोकेमिकली इंड्यूस प्रोडक्ट. दोनों आयसोमर है. इसमें कार्बन नंबर 1 पे कार्बोनाइल कार्बन है, इसमें कार्बन नंबर 2 पे कार्बोनाइल कार्बन है. ये फ़र्क है. तो वी कैन सिंथेसाइज आइसोमेरिक फॉर्म विद द हेल्प ऑफ वुल्फ रीअरेंजमेंट. दिस इज़ द the merit of this wolf second pathway. Pharmaceutical application में तो number 1 is ketene formation, ये ketene है. number 2 carboxylic acid formation, amide formation, ester formation, ring contraction, ये इसमें ring contraction भी होता है. look here, ठीक है, मैं I have told you in the first lecture of the rearrangement के the product of each reaction is actually the pharmaceutical implication of that reaction. Thank you for listening.